हेलो एवरीवन, माँ का घर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये नीचे का डिज़ाइन बनाना सिखाया था पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है। इसमें ये मैंने ऊपर से प्लेन बनाया है। ये मेरे फ्रंट के दोनों पल्ले हैं। ये देखिए, मैंने इनको ऊपर से प्लेन बना लिया, नीचे डिज़ाइन डाला है इसमें। तो इसमें मैंने 80 सिलाइयाँ डाली हैं, 80 सिलाइयाँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर मुड्डों के लिए, आस्तीन की छांट के लिए 3 फंदे घटा देंगे। हमने यहाँ देखिए 3 फंदे घटाने हैं। ये हमारे 3 फंदे घट गए। अब हम ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है। ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और ऐसे ही एक सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये हमने 2 सिलाइयाँ डाल ली। उसके बाद तीसरी सिलाई में हम इन सारे फंदों को घटा देंगे। ये हमने सारे फंदे घटा देने हैं क्योंकि इस स्वेटर में हमारा ऊपर का पेस अलग बनेगा। ये हमने ऊपर के सारे फंदे घटा दिए और ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के बचे हैं। इसको हमने नहीं घटाना, ये हमने ऊपर तक ऐसे ही बनानी है। इसी तरह हम पीछे का पल्ला और दोनों बाजू बना लेंगे और 3-3 फंदे घटा लेंगे। अब मैं आपको ऊपर का पोर्शन बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने 26 फंदे डाल लिए हैं। ये हमारी पहली रो है। इसमें हमने 4 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, इस तरह हमने 4 सिलाइयाँ प्लेन डालनी है। ये मैंने 4 सिलाइयाँ प्लेन डाल ली। इसके बाद हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। इसमें हम ये सारे फंदे सीधा सीधा बुनेंगे। 26 फंदे हैं, इनको हम सारों को सीधा बना लेंगे। अब हम रोंग साइड की सिलाई पर आ गए हैं। इस साइड से भी हमने पूरी सिलाई सीधा ही बनानी है। ये हमारी रोंग साइड की सिलाई भी सीधी हो गई। अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे। अब ये दूसरे कलर से हमने 16 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमने 16 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारे 10 फंदे इधर बच गए। एक बार हम गिन लेंगे। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे। हमने लास्ट के 10 फंदे नहीं बनाने, इनको भी हम 16 को फिर से सीधा ही बनाएंगे। ये हमने 16 फंदे सीधे बना लिए। अब हम फिर से येलो कलर के धागा यूज करेंगे।
अब हम येलो कलर के धागे से 8 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 फंदे सीधे बना लिए। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे, एक बार फिर से काउंट कर लेंगे। अब हम ये पीछे के फंदों को ऐसे छोड़ देंगे और इन 8 फंदों को फिर से सीधा बनाएंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम फिर से रेड कलर के धागे से ये 16 फंदे बनाएंगे। ये 16 फंदे हमने जो बीच में बनाए थे वही वाले 16 फंदे फिर से बनाएंगे। ये देखिए हमने 16 फंदे बना लिए सीधे। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, यहाँ पर हमने सारी सिलाइयों में सीधा सीधा ही काम करना है। देखिए हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम फिर येलो कलर के धागे से पूरी सिलाई बुनेंगे। 26 फंदे पूरे हम येलो कलर के धागे से सीधा बनाएंगे। नए डिज़ाइन और रेसिपी डिस्कशन के लिए माँ कागर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक पिंड कमेंट में अवेलेबल है। अब ये हम 26 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रोंग साइड से भी 26 फंदों को सीधा बनाएंगे। ये हमारा एक तरफ से चौड़ा बनेगा, एक तरफ से कम चौड़ा बनेगा। जो कम चौड़े वाला पार्ट है हमारा वो गले की साइड जाएगा, उस साइड ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, वहाँ से हमारा गला बनेगा। छोटे बच्चों के लिए ये स्वेटर बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। ये देखिए हमारा इस तरह से बन जाएगा। बहुत आसान है ये डिज़ाइन बनाना। इसके बाद फिर से हमने वही 4 सिलाइयाँ 2 सीधी 2 उल्टी जैसे हमने फर्स्ट टाइम डाली थी वही सेम डालनी है। उन 4 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन डलेगा। ये देखिए मैंने आपको 4 सिलाइयाँ डालकर दिखाई हैं, ये इस तरह से बनकर लगेगा।
इसके बाद फिर सामी येलो कलर से सारे फंदे बुनेंगे, फिर 16 फंदे बुनेंगे, फिर 8 फंदे बुनेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। ये नीचे से चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है। ऊपर वाला पार्ट गले पे जाएगा, यहाँ से हमारा गला बनेगा। इसकी सिलाई करनी मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। इतना आप ये ऊपर का पार्ट बना लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।